पड़ोसियों की लड़ाई कब हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो जाती है आजकल पता ही नहीं लगता। शाजापुर में देर रात हिंदू संगठन ने जमकर बवाल काटा। संगठन के लोगों के आरोप है कि विवाद के दौरान समझाने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के नेता पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया और बवाल इतना बढ़ गया कि प्रशासन के भी पसीने छूट गए। शाजापुर में गुरुवार रात जमकर बवाल हुआ, जहां वीएचपी के राजेश जादम पर हमला करने की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन ने बाजार बंद करा दिया। करीब एक घंटे तक शहर में तनाव की स्थिति बनी रही। दो परिवार में हुआ था और उसी मामले में जो विवाद करने वाले लोग थे उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और उनको हिरासत में लेके अग्रिम कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक मनिहारवाड़ी क्षेत्र में रह रहे हिंदू परिवार और मुस्लिम परिवार के बीच विवाद था, जिसकी शिकायत एसपी से की जा चुकी थी। दोबारा विवाद हुआ तो राजेश यादव ने पहुंचकर समझाने की कोशिश की। आरोप है कि इस दौरान उन पर हमला हुआ। उन महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में मेरे ऊपर भी ईंट से पत्थरों से हमला कर दिया। ये पुलिस गवाह है, वहाँ पर 5 लोग और 25 लोग गवाह थे। नारेबाजी के साथ शहर में चक्का जाम किया गया। बीजेपी विधायक अरुण भीमावत के आश्वासन के बाद लोगों ने नारेबाजी बंद की।